वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 बता दिया गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दे दिया गया है 50 और हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू फाइंड करना है। सो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम 12 लिख सकते हैं। सो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे हम 50 लिखेंगे। सो 50 प्लस, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए और 12 का स्क्वायर मतलब कि 144 और 50 इधर जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ab प्लस बी सी प्लस सी और ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू हो जाएगा 144 माइनस 50 मतलब कि 94 डिवाइडेड बाय 2 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू होगा 47। सो ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू होगा 47 और यही हमें फाइंड करना था। थैंक यू।